श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जड़ भरत और रहुगण का संवाद चल रहा है, इसमें जड़ भरत कहते हैं, हे राजा रहुगण, कोई एक आदमी शुद्ध भगत सन्यासी स्वामी जी की शरण में आ जाता है और उनकी संगति करता है तो उनसे एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान तलवार का काम करता है जिससे उसका जन्म मरण का चक्र कट सकता है। लेकिन तकलीफ ये है कि हर आदमी को शुद्ध भगत सन्यासी स्वामी त्यागी नहीं मिलता, ये केवल भाग्यवान मनुष्यों को ही मिलता है जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं को एक साधु सन्यासी शुद्ध वैष्णव दिखाई पड़ता है और समझ में आता है कि इनकी सेवा करें हमको मोक्ष मिलेगा। जब उनसे ज्ञान मिल जाता है तो भगवान का भजन होता है, भगवान का भजन होने से भगवान की कृपा मिलती है और कृपा ही मुक्ति है। जो कोई भौतिक मार्ग में इंद्रिय सुखों में लगा रहता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर जाती है, और अधिकतर लोग भौतिक मार्ग में ही लगे हुए हैं। तो जब माया देखती है इसको तो इंद्रिय सुख चाहिए, तब उसको वो फंसाती है। कौन? माया। भगवान नहीं फंसाते। क्या है ना, वो उसको प्रवृत्ति मार्ग में लगाती है। प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थाश्रम, गृहस्थी बनाती है उसको, और गृहस्थी में कमाना और खर्च करना और चिंता में डूबे रहना, तकलीफ भोगना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में लगाती, तो लगभग सब प्रवृत्ति मार्ग में डूबे हुए हैं। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में रहता है तो जड़ भरत कहते हैं कि ऐसे आदमी को एक व्यापारी की उपमा दी है, व्यापारी जैसी है उसकी आदत। तो वो घूमता है गांव गांव, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश और देश, सारे देश में घूमता है पैसा बनाने के लिए। हर समय चिंता करता है कि पैसे की जरूरत पड़ती है। तो संसार रूपी जंगल कह दिया उन्होंने, ये संसार है ना, एक जंगल है, इस जंगल में वो भटकता है। पैसा कमाना और परिवार पालन करना उसका लक्ष्य बन जाता है। तो उस जंगल में और उसको भूल जाता है वो, मोक्ष के, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, वो मोक्ष को भूल जाता है, इंद्रिय सुख और परिवार सुख और परिवार पालन में लगा रहता है, याद ही नहीं रहती मोक्ष, सब फटक जाता है वो मोक्ष से। तो उसको छह डकैत मिलते हैं इस भवाटवी में, मतलब भौतिक संसार में छह डकैत, पांच इंद्रियां और एक मन, छह डकैत। ये छह डकैत उसको लूटते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, खींचते हैं, आंखें खींच दिया, हा सुंदर स्त्री है पकड़ो इसको, जीभ खींच दिया, अरे बड़ा स्वाद का चंदिया पकोड़े बने हुए हैं, खींचो, ऐसा खींचता है। तो उसकी, क्योंकि उसकी बुद्धि लगी हुई हो क्या, उसकी इच्छाएं हैं भौतिक सुख परिवार सुख, इसलिए उसकी बुद्धि भी फिर गई है, अकल भी काम नहीं करती। मन के ऊपर अकल रहती है, मन ने कहा चलो सिनेमा, तो अकल कहती है पॉकेट देखो पैसा है कि नहीं, तो अकल है ना, अकल मन के ऊपर है बुद्धि, तो बुद्धि उसकी फिर गई है क्योंकि वो संसार सुख चाहता है, केवल संसार सुख।
इसलिए वो पशु है, दो पैर वाला पशु, क्योंकि उसको यही चाहिए। तो उसकी हालत क्या बताते हैं जड़ भरत, अरे रहुगण इसकी हालत ऐसे गडरिये की तरह है जो अपनी भेड़ों को ले जाता है और इधर उधर देखता है तो भेड़ी आते हैं, उसके भेड़ को पकड़ के ले जाते खींच के। ऐसे ही जब इसकी इसका मन इसकी बुद्धि फिर गई है, ऐसे समय में वो भेड़ रूपी जो छह डकैत बैठे हैं, वो भेड़िया भेड़िया रूपी छह डकैत हैं, वो खींच के ले जाते हैं इसके भेड़ रूपी इच्छा। घर में गीदड़ बैठे हैं, मतलब पति पत्नी बच्चे, और खींचते हैं उसके पैसे को, खर्च करवाते हैं। वो दिन भर कमाता है, खर्च करता, पता भी नहीं पड़ता कि खर्च किया है उसने, मालूम ही नहीं कितना खर्च हो गया, और खर्च कर रहा है नहीं पता है, खर्च कर देता है, देखता है आ मेरी पत्नी है, मां और संतोष। ऐसा हो जाता है उसको, तो क्या होता है उसमें, जंगल में तो लता पताकाएं भी होती हैं, झाड़ फूल झाड़ झाड़ें होती हैं, बड़े बड़े झाड़ होती हैं, उसमें डांस होते हैं, डांस मच्छर होते हैं उसमें, ये सब उसको डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब वो क्या होते हैं पता नहीं, समस्या तकलीफ तकलीफ करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो फिर घूमते घामते उसको एक अच्छा सा शहर दिखाई देता है जिसमें वो सुख भोगने की इच्छा करता है, तो फिर उसमें वो एक कॉमेट दिखाई देता है, और क्या बेताल चमकता हुआ बेताल दिखता है ऊपर से, देखा था ना क्या दिखता है, तो जंगल है भवरट भी में तो जंगल है, तो लता पता का तो झाड़ है बहुत बड़े बड़े, उसमें सर्प भी रहते हैं, ये क्या करेगा वो तो घूम रहा है उसमें, घूम रहा है तो ये मच्छर रूपी जो लोग हैं, व्यापार व्यापार कर रहा है ना वो कमाने के लिए पैसा, तो उसमें दूसरे व्यापारी भी हैं, वो मच्छर जैसे काटते हैं डांस ऐसे काट रहे हैं वो, फिर भी उनको सहन करके पैसा बनाना, सहन करता है उनकी जैसे मच्छर सहन करते हैं, सहन करता है, फिर क्या करता है, सहन करते करते आता है थका मांदा, देखता है कितना सुंदर एक गंधर्व शहर है सुख भोगने के लिए, क्या है पत्नी है बच्चे, सुख भोगता है थोड़ी सी, फिर वहां पे देखता है, क्या देखता है, कॉमेट माने बेताल भूत, वो क्या है ना, क्योंकि शाश्वत नहीं है, थोड़े समय बाद इसका दिमाग फिरेगा, उधार वाले आते मांगने के लिए, तो वो बेताल बेताल का अनुभव करता है, वो गंधर्व सिटी है अपना परिवार, पत्नी पति, पत्नी के लिए पति, पत्नी के पति के लिए पत्नी, जो भूल जाती है दुनिया, कितना सुख है उसके अंदर, सारा दुनिया भूल जाते हैं वो लोग नफा नुकसान सारा सहन करता है, कभी कभी वो इतना खर्च कर देता है कि उसका कर्जा हो जाता है, कर्जा हो जाता है तो कर्जे वाले आते हैं वो सताते हैं, वो सताते हैं तो कभी कभी जैसे बमंडर आता है ना आंधी धबूड़ भगूड़ा, आंधी आती है धूल भरी तो वो तो सारे दिशाओं को कवर कर देती है, आंखों में घुस जाती है, आंख बंद हो जाती है तो पता नहीं पड़ता हम पूरब को चल रहे हैं या पश्चिम को चल रहे हैं, ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ऐसे समय में वो परिवार मैं करता है, और ऐसे करते करते उसको दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता, इतना अंधा हो जाता है पत्नी के साथ, उसको बोलते कामांध, ये भबूड़ा है, भबूड़ा उसकी आंखों में धूल भर गई, दिखाई नहीं दे रहा उसको असली चीज क्या है। जब कोई पुरुष स्त्री से फंस जाता है ना, और स्त्री पुरुष से फंस जाती है ना,
दुनिया नहीं देखते हो, दिखते हो उसको, खत्म, सब कुछ खत्म। ना गुरु दिखता है, ना भगवान दिखता है, ना पंडित दिखता है, ना पंडितानी दिखती है, ना नियम दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। अबूढ़ा आता है, फिर क्या वहां पर बच्चों की बच्चे बन जाते हैं, तो फिर वहां दायित्व बनता है और वो नियमों को भूल जाता है, और वो इतना भी भूल जाता है कि रजस्वला स्त्री को नहीं छूना चाहिए, इसको भी भूल जाता है, और फिर सारे नियमों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है क्यों मिला है, सब भूल जाता है। फिर क्या होता है, पाप कमाता है, रजस्वला को छूने से पाप करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसको करेगा तो पाप लगेगा, जो करना चाहिए उसको नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तो पाप ही हो जाता है। और वो सोचता है आई डोंट केयर, मतलब बेपरवाह, बेपरवाह हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, अपनी अपनी लगाता, अपनी अपनी सोचता है, पाप करते रहता है। इस जंगल में झिंगुर भी होते हैं जो आवाज करते हैं, दिखाई नहीं देते कहां से आवाज आ रही है, खतमा सा कैसा है ये। और फिर रात को उल्लुओं की आवाज आती है डरावनी, झिंगुर क्या है, जो झिंगुर है वो भूख, कभी कभी भूख सताती है उसको, और तो वो क्या करता है, घूमता है कहां फल के, फल का पेड़ होगा, क्योंकि जंगल में घुसा है वो, भवर भवर भवसागर है जंगल है, तो ऐसे पेड़ के नीचे जाता है, मिलता है वो पेड़, उसको उसमें कांटे होते हैं फल नहीं होते, परेशान रहता है। तो क्या होता है ना, इसके परिवार वाले मित्र वगैरह सब पीछे से उसकी बुराई करते हैं, ये है उसका झिंगरों की आवाज जो डिस्टर्ब करती है। कभी आता है गुंडा अपने से ज्यादा ताकतवर, और या कर्जे वाला सबके सामने बेइज्जती करता है, ये है उल्लू की आवाज जो इरिटेशन करती है, डरावनी भयावनी, उससे लज्जित होता है, दुख होता है उसको। फिर वो जो कांटे वाला पेड़ है वो है, जहां जाता है कर्जा लेने के लिए वो कर्जा नहीं देता, तेरे पास तो कर्जा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, तू दे रहा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, चल भाग यहां से, भगाता है वो कांटे वाला पेड़ के समान। ये सब भोगता है वो, और ये भोगता है लेकिन घुसता है घर में, वो गंधर्व शहर है जहां पर वो उसको भूल जाता है। जड़ भरत कह रहे हैं राजा, लेकिन केवल यही तो माया का खेल है, माया मरी न मन मरी, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया और मन तो नहीं मरते, किसके मरते हैं, जो भगवान का भगत बन जाता है उसके। मन मारन मन को बस में करना चाहिए, माया अपने आप भाग जाएगी, भगवान का भजन करने से मन बस में हो जाएगा, नहीं तो आशा लगी रहेगी, तृष्णा लगी रहेगी, और मरेंगे, कितनी बार मर गए, कितनी बार जन्म लेंगे। अपनी तृप्ति के लिए भागता है, और लेकिन जैसे हिरण भागता है ना राजस्थान में पानी के देख के, लेकिन पानी नहीं है वो, मिराज है, केवल मृग तृष्णा। इसलिए घर बढ़ जाता है, परिवार बढ़ जाता है, क्योंकि मैथुन इतना करता है कि बच्चे बन जाते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है, शादी करनी है लड़की की, लड़के को पढ़ाना है, फलाना करना है, धमाका करना है, दान देना भी भूल जाता है, और दान लेने आते हैं तो उसको भगा देता है, क्योंकि खर्चा इतना है, तो करेगा क्या, पहाड़ पर चढ़ने की तरह है, पहाड़ पर चढ़ता है, मतलब इतना खर्च हो जाता है उसको, बस
कमाते कमाते पूरा नहीं पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। ये भवाटवी, इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में भवाटवी, ये जंगल है, भवसागर, भवसागर, ये जिंदगी जंगल में रह रहे हैं। तो पांच इंद्रियां हैं और मन है, आंख नाक कान जीभ चमड़ी, ये सताती है, सब देख देख के मन लगता है सबको करना चाहिए इत्यादि। कितने उपाय करता है, कभी कभी दोस्तों के पास जाता है, अरे यार थोड़ी सहायता कर दे यार, हम तकलीफ में है यार, कहता है उस यार मतलब मित्र, लेकिन मित्र का भी तो परिवार है कोई, उसको भी तो काम पड़ रहा है, उसको भी तो चाहिए खर्च, उसकी लड़की भी शादी लायक है, उसको भी बच्चे पढ़ाने, उसका भी परिवार है, कैसे करेगा सर? तो उस समय पर सहायता नहीं कर सकता, समय पर सहायता नहीं करता है तो तकलीफ में है ना। कभी कभी कंजूसों के पास जाता है, उसको पता नहीं ये कंजूस है, दुनिया तो कंजूस है, एक पैसा खर्च करना नहीं चाहती, ना भगवान को दीजिए तो दूसरे को क्या देगी वो, तो जाता है उसके पास, कहता है हमारी सहायता थोड़ी सी कर दो, 5 रुपया सैकड़ा में दे दो, 3 रुपया सैकड़ा में दे दो, उसका भी परिवार है, उसको उसने दे रखा है अनेकों को, अब खर्चा खत्म कम पड़ गया है तो नहीं देता है वो, और फिर वो दान मांगता है थोड़ी सहायता कर दो, अभी उसको दान देने की इच्छा नहीं है, भग यहां से कह देता है वो। ये ऐसा है झुलसने की तरह, जैसे जंगल में घुस जाता है वहां आग लग जाती है ना, उसमें झुलस जाता है कोई तरह जगह जगह से, ऐसे झुलसने की तरह है ही। क्या है दुनिया है, फिर क्या होता है, ना परिवार में घुसा रहता है, दोस्तों में मित्रों में और संबंधियों में, तो भूल जाता है, टैक्स टैक्स देना पड़ता है सरकार को, वो भूल गए तो आते हैं वहां से ऑफिस में से सरकार के टैक्स वाले, और इसकी इच्छा के विरुद्ध में सारा टैक्स जितना है उसका ले जाते हैं, चाहे घर में खाने को हो या ना हो, चाहिए टैक्स, और यदि है नहीं तो घर ले लेते हैं उसको, टैक्स वाले ऐसे होते हैं। यही है बेताल, माया का खेल, माया के खेल में प्राणी को कभी शांति नहीं है और मोह में पड़ा रहता है। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आती है कि मूर्छा हो जाती है, इतनी तकलीफ में रहता है, तो कहता है चलो यार थोड़ा घूम आते हैं, पिकनिक करता है, परिवार को ले जाता है भूल जाने के लिए, परिवार में पति पत्नी मीठी बात करते हैं तो खत्म हो गया सारा, भूल गया, फिर आता है वापस, फिर वही चंचल चंचल स्वभाव, पंचायत किसी पंचायत में फिर घुस जाता है, ऐसे अनुभव करते करते वो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है, घर में गुस्सा आता है उसको, तो झगड़ा कर देता है, पत्नी क्या करेगी बेचारी, लेकिन समस्या में पड़ा दिमाग फिर गया है, तो आता है घर में झगड़ा करता है तो मारपीट हो जाती है, तो पत्नी जाती है पुलिस के पास, फिर डिवोर्स होता है अलगाव, या पति जेल में जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं घर में, वो भागते हैं घर से, ये हो जाता है, ये संसार है, सब अपना अपना सुख चाहते, सुख मिलेगा नहीं जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करना ही सार है। तुलसीदास ने कहा, देखिए क्या कहते हैं, दिन का डाकनी रात का बाघनी, दिन का डाकनी रात का बाघनी, पलक पलक रहे चूसे, दुनिया सब बौरा हो के घर घर बाघनी पूछे। तुलसीदास ये पागल हो गए, बौरा माने पागल, पागल हो गई दुनिया, घर घर में हर घर में बाघनी है,
दिन में तो डाकनी है और दिन में तो बाघनी है, पैसा लाओ काम करना पड़ता है, रात में डाकनी बन जाती है, पकड़ के सोती है। इसलिए शास्त्र कहता है यो अन्यथा संति आत्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते, मनुष्य शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ये पागल आदमी वो सब छोड़ के दूसरी तरफ चला गया इंद्रिय सुख में, परिवार सुख, इसलिए इसको जन्म मरण का चक्र कभी छूटेगा नहीं। इसलिए मनुष्य स्वरूप मिला है भजन करने के लिए, सदगुरु ग्रहण करके उनकी कथनानुसार चल के भजन करिए, दूसरा मार्ग अच्छा नहीं। ठीक है कुटुंब बना लिया है, लेकिन भजन करिए कुटुंब में, गुरु जी का आदेश मानिए, गुरु जी कभी गलत नहीं बोलेंगे, जो गलत बोलते हो गुरु नहीं है, गुरु जी का काम है चाहे मीठी वचन से चाहे कड़वे वचन से चाहे डंडा लगा के चाहे जूता लगा के अपने भगत को सही रखना, ये गुरु का काम है। यदि गुरु के डंडे से या उनकी गालियों से तुम्हारा मन खराब हो गया, दुर्भाग्य बन गए। गुरु की जिम्मेदारी है चेला को सही चलाना, यदि चेला बनेगी यही है सही मार्ग, दूसरा मार्ग सब गलत। कृष्ण श्री राधा गोविंद भगवान की।